ताकत का भरोसा ना करिए, अल्लाह की ताकत को
लीजिए, क्या कभी भरोसा नहीं है। अगर कुवत रब्बानी से हमने उठाया, चलिए कुरान से फैसला करिए, क्या नहीं उठा सकते हैं जनाबे सुलेमान नबी, जिनपे जिनके अगुमत कोई दुनिया पर कोई दुनिया पर कैसे क्या है, परिंदे साया किए हुए हैं। एक दिन सुलेमान नबी ने निगाह उठा के देखा, मुंह की सूरज की हल्की सी किरण सुलेमान नबी की पेशानी पर पड़ी। अब कुरान कहता है, सुलेमान ने पूछा कि कौन गायब है, कहां गया, कहां है, बुला इसे। अगर इसके पास कोई माकूल दलील न हुई तो मैं इसको सजा दूंगा या सिवा रखूंगा। तवज्जो करवाइएगा, आ गया हुकुम, कहां थे, कौन जान की आमान पाओ पास करो, कहां करो, कहा आप कहते हो कि पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत है, बिल्कुल आपको मालूम भी नहीं, मैं एक ऐसा मुल्क देख के आया हूं कि जहां पर एक शहजादी हुकूमत करती है, नाम उसका बिल्कुल मिलने का शोर पैदा हुआ, देखे कौन है वो शहजादी जिसकी हमें खबर नहीं। सुलेमान ने यह नहीं कहा मैं जानता हूं, तुम्हें तो आप जानते भी नहीं है, आप जानते नहीं, बिल्कुल नाम की एक शहजादी इसकी हुकूमत उनके सलाम करती है। बुला लिया पूरे दरबार को, बुलाया, पहले मुझसे कहा कि मेरा खत लेके जा बिल्कुल के पास, वो खत लेके गया, अल्लाह की दावत दी थी, उसने बुलाया अपने मुस्लिमों को, क्या कहते हो, कहा इनकी बात मानो, लेकिन बादशाहों का उसूल ये है अगर इनकी बात ना मानी जाए शहर के शहर तबाह कर देते हैं, तोहफे ले लो, तोहफे ले लेगा या सुलेमान ने तोहफे देगा, दे के वापस करके जाओ ले जाओ, मेरे पास इनसे बेहतर माल है, अल्लाह का दिया हुआ माल, अल्लाह की दी हुई दौलत मेरे पास है, जाओ से कहो कि हमारे पास आए। बिल्कुल चलिए, सुलेमान ने सारे दरबार को बुला लिया, बिल्कुल चली है उनके सवाल से, मैं ये कहता हूं कि बिल्कीस के मुंह के सभा से आने से पहले पहले उसका तख्त यहां पे आ गया है, कोई तुमने जो ले गया है, एक देव खड़ा होगा जिन हुजूर मैं लाऊंगा, कितनी देर में काबी दरबार पर खास नहीं होगा, आज तक आपके सामने होगा का बैठ जा, दरबार के बर्खास्त होने में देर है, सुलेमान को जल्दी है, लिहाजा तुम किसी काम के नहीं, बैठो नीचे। एक खड़ा हुआ कामयाब ताला इंदहू इल्म अल-किताब आसिफ बिन बर्किया खड़े हुए, जो मसीह है सुलेमान नबी के, तवज्जो फरमाइएगा, खड़े हुए, उन्होंने क्या कहा, इनके पास किताब का कुछ इल्म था, कुछ इल्म, खड़े हुए हुजूर मैं लाऊंगा, कितनी देर में, कभी आग की पलक झपकने नहीं पाएगी। आप सो गए, बात तो मैंने पूरी कर दी है भाई, झपकने का मसला नहीं, झपक भी नहीं पाओगे, आधी झपकने के आधे में घुसेगी, तब से मिलकी हाजिर होगा, आपको फैसला कर लो, अभी फैसला नहीं करते, भाई जिसके पास किताब का मामूली सा इल्म हो, जब उसके पास इतना दबाव है, सोना चांदी सब कुछ ही तो था, तवज्जो फरमाइएगा, सब कुछ था, दादा पलक नहीं झपकने पाएगी, और तफसीर ने लिखा कि आसिफ बिन बर्किया अपनी जगह से हिले नहीं, हिले नहीं, इनके कमाल के एतबार से हाजिर हो गया था। अली ने जब दो उंगलियों पे बाबे खैबर को उठाया या एक हाथ पर, नाबे सलमा ने फांसी नहीं खाना देखिए तो सही, अली ने एक हाथ पे बाबे खैबर को उठा लिया है, ये जुमला सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा,
अली ने एक हाथ पर बाबे सैबर को उठा लिया है। रसूल ने कहा सलमान तू हाथ दे रहा है अली के पैर को। अब जो पैर देते तो हवा में मोहल्ला हवा पे ताजुब कर रहा है जी मौला। अगर इंसान मार्फत के दर्द कमाल तक पहुंच जाए तो हवा तो खून की बात है वो पानी पे चलने लगेगा। फरमाइएगा पानी पर। दूसरी चीज चलिए अली अंबिया से अंदर हमारे बात समझ में नहीं आती। ये सुलेमान ने कुरान में मंजर पेश किया। ये सुलेमान कभी है सूरह नमल आयत नंबर 39 जाके पढ़िएगा। सुलेमान नबी गुजरे बाकी नमल से पहले मौला का यहां गुजरे सलमान ने लिखा सलमान फारसी ला ये चूटियां हैं ला तादाद खरबो को जानता ही नहीं था ना बड़ा आलिम होगा वो तो इन चूटियों की तादाद जानता होगा मगर सलमान ताजुब क्यों कर रहे हो। बोला ताजुब की बात तो है कितना आलिम होगा वो तो चूटियों की तादाद जानता होगा मगर सलमान तेरा मौला तादाद नहीं बल्कि ये भी बता सकता है कि इन चूटियों में नस्लें कितनी हैं। मुसलमान नस्लें नहीं अली तो ये भी बता सकता है कि इनमें नर कितने हैं मादा कितने हैं। तो फरमाइएगा जब वादी नमल से गुजरे सुलेमान नबी तो आवाज दी चूटियों के सरदार ने ए मेरे खानदान वालों ए चूटियों अपने अपने दिलों में चली जाओ। पूछा सबने क्यों कसले के सुलेमान गलत चला रहा है अब वो क्या करेगा तो तुम्हें कुचल देगा वो तुम्हें मार देगा। पता तो चला रहबर वो होता है कि जो अपने से पहले अपनी कौम की फिक्र करता हो। तो फरमाइएगा कौन होता है रहबर जो अपने से पहले अपनी कौम की फिक्र कर रहा हो वो तो रहबर है। वरना तो दुनिया में रहने कितने रहबर पड़े हैं कितने हाथी पड़े हुए हैं। तब जो फरमाइएगा सुलेमान नबी सुन लिया करते थे बुला लिया चूटियों के सरदार को उठाया हाथ पर और यहां ले गया अंबिया से अफजल अमनत अली कैसे तवज्जो यहां ले गया। क्या कह रही थी हुजूर मैं अपने कबीले को बचाना चाहती थी। क्या कह रही थी मैं कह रही थी कि अपने अपने दिलों में चले जाओ क्यों इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं। सुलेमान ने कहा चुकी क्या मुझ पर भरोसा नहीं है मैं मासूम हूं मैं तेरे लश्कर को नहीं कुछ दूंगा। चूंकि ने भी बड़ा कीमती जवाब दिया अल्लाह के नबी आप ही तो मासूम है सहाबा तो मासूम नहीं है सो गए आप ही तो मासूम है सहाबा तो मासूम नहीं है वो कुतर सकते और तो भरवाइएगा कट पता चल छोड़ पता तू अवसर लिया मैं समझो छोटी से सवाल कर रहे हैं सुलेमान नबी तफसीरें पड़ेगा तो तफसीरें अमरुल नजफ और तफसीरें गुजरे मंसूर दोनों में लिखा है। सुलेमान ने उठाया ऐसे छोटी को बता तू अवसरिया है कहा हुजूर जान के अमान का ऊपर अर्ज करूं कहा अमान है अर्ज कर तब वैसे तो अवसर नबी होता है आप ही अवसर है वैसे तो लेकिन आज मैं अवसर हूं तवज्जो फरमाइए तवज्जो आज मैं अवसर हूं आप बताइए आपके पैर कहाँ है कसबीर पर मेरे कहाँ है नदी के हाथ पर फैसला आप ही कीजिए जो जमीन पे खड़ा हो वो अवसर है जो नदी के हाथों पर हो एक गलत जुमला साहब है जो मैंने बोलता है आपके बाबे कबूल के बाद आप ही फैसला कर दीजिए जो जमीन पर हो वो अवसर या जो नदी के हाथों पर हो वो अवसर अगर नबी के हाथ पर हो कमाल है अगर छोटी सी चूटी नबी के हाथ पर आ जाए वो तो दावा कर देती है कि मैं आपसे अवसर हूं अगर अली तो उसे रिसालत पर आ जाए कमाल है कुरान भी तुम्हें याद है
और आता कुरान कहता है गौर करो गौर करो, ये सवाब के लिए थोड़ा जाना है, इस सवाब को करो सवाब मिलेगा, कुरान करो सवाब मिलेगा, पढ़ते रहो जब तक जो है उसको समझोगे नहीं कोई सवाब नहीं। चाहे दो आयते पढ़ो कुरान में अगर गौर फिक्र करके तदब्बुर करके, दो दिन तैयारी कुरान कैसे सुना सकते हैं, चारों किताबें कैसे बोल सकते हैं, बच्चों फरमाइएगा कई ईसा को भूल गए, ईसा को भूल गए, जब आ गई मरियम तो लोगों ने पूछा मरियम ना तेरी माँ ऐसे थी ना तुम्हारे पापा ऐसे थे, ये बच्चा कहां से आया। एक मतलब मरियम ने देखा परवरदिगार क्या करूं, अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है पर इशारा किए इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, ईसा बोलने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलना नबिया, तवज्जो फरमाइएगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है और मैं किताब लेके आया हूँ, तवज्जो फरमाइएगा मैं किताब लेके आया हूँ। चलिए कुरान से कुछ ईसा है क्या, तमसलो ईसा इंदल्लाह तमसल आदम, ईसा की मिसाल दुनिया में ऐसी है जैसे आदम की, खलकहु मिन तुराब, हमने इन्हें कुरान से पैदा किया, सवाल है भाई जो कुरान से पैदा हो वो तो दो दिन में बोल सकता है, जिसको अल्लाह ने अबू तुराब बनाया हो, तवज्जो फरमाइए जिसको अल्लाह ने अबू तुराब बना दिया हो क्या वो कलाम नहीं कर सकता, क्या वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्या वो बोल नहीं सकता, बोल सकता है गुफ्तगू कर सकता है, इसलिए तवज्जो ये वो है कि मिसाल आदम जैसी है। अली के लिए क्या फरमाया, अली के लिए फरमाया पैगंबर ने या अली अंता मंजिलत हारून अली मूसा, अली तेरी मंजिलत मुझसे ऐसी है जैसे हारून की मूसा से थी। एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, तवज्जो योम एजिन कुरान ने मतलब पेश किया, योम एजिन या फिर उमर हो कयामत में एक दिन ऐसा आने वाला है जब शोहर अपनी बीवी को नहीं पहचाने, ऐसी बात है इस पर आपको कामों से होना भी चाहिए, जिसने इस तरह का वादा कर रखा हो वादे से मुकर जाए, नाते बन चुके कुरान ने कहा ये नाते बनाइए ना बेटा बाप का होगा छोड़ना साफ का होगा, सुनते हैं बताइएगा बाप ने कहा जो माए दिन जब बिल्कुल उम्र हो एक दिन कयामत में ऐसा आने वाला है कि शोहर अपनी बीवी को नहीं पहचानता होगा। सुनाओ मासूम की तफसीर इस पर, अब सीरे तमारो नजफ में मासूम फरमाते हैं, मासूम से पूछा बोला क्या हर इंसान ऐसा ही होगा जो अपने शोहर को नहीं अपनी बीवी को नहीं पहचानता होगा, कहा ये कौन मर्द है ये कौन औरत है कि जिसको शोहर नहीं पहचान रहा होगा, कहा ये है अल्लाह के नबी मूसा और ना पहचाने जाने वाली औरत है सपूरा। सपूरा कौन है बता दीजिए, सपूरा है जनाबे मूसा की बीवी, जनाबे मूसा अपनी बीवी सपूरा को नहीं पहचाने हैं उनसे मुंह फेरने हैं, जानते जुर्म क्या है, जुर्म यह है सपूरा का कि मूसा के चले जाने के बाद मूसा के बसी यूसे बिन नून के मुकाबले पर और अली के फजाइल
इतना बड़ा गुनाह है कि अगर नबी की बेटी भी कोई मसीह के फजाइल से इनकार कर दे तो अल्लाह माफ नहीं करता। जब नबी की बेटी को माफ नहीं करता वो उम्मती की बेटी की तो हैसियत ही क्योंकि हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमने खुद कह दिया कि नबी हम जैसा नबी हमारे बड़े भाई ने कमाल है जिसको कुरान में अल्लाह अब्बा नहीं कहने देता। माकान मोहम्मद अबा अहद, मोहम्मद तुम में से किसी का मत नहीं बाप नहीं जिसको अल्लाह बाप नहीं कहने देता। लोग कह रहे बड़े भाई है, मैंने एक मौलाना साहब से कहा जब आप रसूल इस्लाम को बड़े भाई कह रहे हैं तो उनकी बीवियों को भाभी कहिए। फरमाइए क्यों नहीं कहते, हमारे कहने भाभी नहीं माँ है, उम्मुल मोमिनीन उम्मत की माए है। तवज्जो फरमाइएगा, तो क्यों ये गुस्ताखे रसूल बन रहे हैं लोग? देखे लोग कहते कि नबी हम जैसे, कभी नबी ने भी कहा कि मैं तुम जैसा हूं? चलिए एक रिवाज में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पढ़ता हूं, जिन लोग जुड़ने बताया कि पैगंबर ने कहा मैं तुम जैसा नहीं हूं। वहां पर जरा सुनता क्या बना है, एक ही बर्तन में खाना बनाती हूं, एक ही चूल्हे में बनाती हूं, सालन एक ही हांडी में बनता है, मैं दो बर्तनों में उतारती हूं, एक बर्तन में आपके नाम से और एक बर्तन में अपने नाम से। मैं देखती हूं कि जो आपके नाम का सालन होता है उसमें मक्खियां नहीं झिनकती और जो मेरे नाम का होता है उसके ऊपर मक्खियां होती है। अब मैं क्या करूं, जब हम कोई किसी दूसरे तरफ से कोई वाकया पढ़ते हैं तो ये होता है कि शिया पढ़ रहा है, शिया कह के छोड़ दिया जाता है। चलिए ना मैं अहले सुन्नत की किताब से पढ़ता हूँ, मैं अहले तशय्यु की किताब से पढ़ता हूँ, मैं दस या किताब से पढ़ता हूँ, जो यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती है अहले सलाम की वो उस किताब से पढ़ा हूं। मैं शिया है मैं सुन्नी है, ये जो है दोनों मसलक मानते हैं, शिया भी मानते हैं और सुन्नी भी मानते हैं। फरमाते हैं एक सवा के बाद चैप्टर है ये मवाकात, यानी जब भाईचारा कायम किया पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद नबूवी के बाद लोगों को एक दूसरे का भाई बनाया, जिसकी नियत मिटती थी, जिसकी सहमियत मिटती थी, जिनके मंसूबे मिटते थे, जिनकी शख्सियतें मिटती थी, जिनकी कैफियतें मिटती थी, उनको उनका भाई बनाया। और उन्होंने लिखा कि पैगंबर इस्लाम उठे, हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ में दिया और देने के बाद कहा आप इनके भाई हैं, ये आपके भाई हैं, आपका मंसूबा इनसे मिलता है, इनका मंसूबा इनसे मिलता है, आपकी शख्सियत इनसे मिलती है, इनकी शख्सियत आपसे मिलती है, इनकी नियत आपसे मिलती है, आपकी नियत इनसे मिलती है। अबू बकर का हाथ पकड़ा, सलमान के हाथ पकड़ा, सलमान ये तेरा भाई तू अबू बकर का भाई है, तुम्हारी नियत सलमान से मिलती है, तुम्हारी जहनियत सलमान से मिलती है, तुम्हारी शख्सियत सलमान से मिलती है। मिकदाद का हाथ पकड़ा, कम्बर के हाथ में दिया, मिकदाद तू कम्बर का भाई है, कम्बर तेरा भाई है। अब उन्होंने लिखा कि मस्जिद के कोने में बैठे हुए अली रो रहे थे, पैगंबर अली के पास गए और जाने के बाद कहा
मरियम को देखने के बाद जकरिया से रहा न गया।
और कहा परवरदिगार मुझे भी ऐसा ही बेटा दे जैसी बेटी ये है जिसके लिए जन्नत से खाना आता है, ऐसी ऐसा बेटा अता कर, ऐसी ओला अता कर। कमाल ज़करिया तुमने मरियम को देखा है, तुमसे रहा नहीं गया, अगर फातिमा को देखते तो क्या होता। भाई तुम सुनिए, भाई किसके पास जन्नत से खाना आए जो वो देखते बर्दाश्त ना हुआ, और जो बीवी जन्नत वालों को खाना भेज रही हो। अमली टिकाने वाले हैं, ऐसा मिलाने की मंजिल पे ना पहुंचे, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। कमाल है, अल्लाह अहल यह देखता है, अभी रिश्तेदारी अल्लाह ने नहीं देखी। और बात कभी ये हमें अहल के ये बताए समझ में नहीं आते, ये समझ में नहीं आते, ये समझ में नहीं आते, ये समझ में नहीं आते, तो अभी हर एक के समझ में आ भी नहीं सकता। पैगंबर ने फरमाया सलमा पर जल मत, अली को नबी समझा किसी ने सिवाय मेरे और अल्लाह, नबी समझा अल्लाह को किसी ने सिवाय अली के और रसूल के, नहीं समझे रसूल को किसी ने सिवाय अल्लाह के और रसूल के। कहां चले गए वो जो कहते हैं अली समझ में नहीं आता। हदीस सही सुनद है, इब्ने अब्बास से रिवायत है इस हदीस की। इब्ने अब्बास वो वाहिद रावी है जिसको सब मौसम मानते हैं, इन पे सब यकीन करते हैं, और जानते हैं इब्ने अब्बास है कौन। इब्ने अब्बास है अली के शागिर्द, कमाल है, दुनिया ने माना शागिर्द को, तवज्जो फरमाइएगा, शागिर्द को, उस बात को मानने को तैयार नहीं है। चलिए दुल्ला सुनिए, नहीं पहचाना किसी ने अली को सिवाय अल्लाह के रसूल, नहीं पहचाना रसूल को सिवाय अल्लाह के अली के, नहीं पहचाना अल्लाह को सिवाय अली के और मोहम्मद के। अब थोड़ी तवज्जो फरमा लीजिएगा, जब बात अल्लाह की मार्फत की आई तो अल्लाह को दो छोटों ने पहचान लिया, एक रसूल ने पहचान लिया, अली ने पहचान लिया। तवज्जो फरमाइएगा, अली भी अल्लाह से छोटे और रसूल भी अल्लाह से। जब रसूल की मार्फत की बारी आई तो एक उनसे बड़ा, पता नहीं आप कहां बैठे मगर आप फिर भी वो काम नहीं है, एक उनसे बड़ा एक उनसे छोटा अल्लाह ने पहचान लिया और अली ने पहचान लिया। लेकिन जब अली की मार्फत की बारी आई तो किसी छोटे का काम न चला, सलमान ने मुकम्मल कर लिए। अगर सारे दर्जे मुकम्मल कर लिए तो फिर ईमान होते,
ईमान के दस दर्जे नहीं है। ये भी शायद मुखनों की बात हो तो किसी के कान के पर्दे के बाहर से भी ये बात गुजरी हो तो खड़ा होकर बता देना। ईमान के दस दर्जे नहीं है, दस तबके। ईमान के दस दर्जे नहीं, दस तबके। हर तबके में दस दर्जे होते हैं। अच्छा फरमाइएगा, ईमान के दस तबके, हर तबके में दस दर्जे होते हैं। तो सलमान के कोई कहते हैं ना, आपके सलमान ईमान के दसवें दर्जे में पाए गए। ईमान के पहले तबके के दसवें दर्जे पर सलमान पाए गए। कितना समझा नहीं को सलमान ने, सबसे बड़ा सहाबी, सबसे बड़ा सहाबी। वो भी एक दिन कहे ऐसा हो सकता है। चलिए मैं छोटी सी बात करता हूँ आपके सामने। सलमान दसवें दर्जे पर पाए, पहले तबके के दस, नौ तबके कहा है, सब किसके पास है, अली के पास। तभी तो कुल्ले ईमान है। तो फरमाइएगा, इमाम नजार से हारून ने कह दिया था, या रसूलल्लाह के बेटे मेरे एक हदीस समझ में नहीं आती रसूलल्लाह। हारून कह रहा है, कौन सी हदीस है? पैगंबर ने फरमाया, ए अली, आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। मेरे समझ में यह नहीं आता कि अकेले अली और खरबों मिलियन लातादाद लोग जन्नत में कैसे भेजेंगे अली इन सबको। मौला खड़े हुए, चल ये अभी तो तेरे समझ में नहीं आती, ये तो आएगी। मौला फरमा, ये तो आती होगी या अली, मुग्धों का तकवा वल ईमान, बुग़्ज़ों का कुफ्रुन वल निफ़ाक़। ऐ अली, आपकी मोहब्बत तकवा भी है और ईमान भी है। बुग़्ज़ों का कुफ्रुन वल निफ़ाक़, आपकी दुश्मनी कुफ्र भी है निफाक भी है। समझ में आती है, सुनी है रसूल से? हाँ क्यों नहीं। देखो मैंने तीन दिन सहाबी जिस पर यकीन करते हैं सब उसे सुनी है, यानी आपकी मोहब्बत तकवा भी है और ईमान भी है, आपकी दुश्मनी तूज भी है और निफाक भी है। तो तेरे समझ में क्यों नहीं आता? समझ में ये तो नहीं आता कि जन्नत और जहन्नम को अली तकसीम कैसे करेंगे? हम करेंगे कहा, जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो जाएगी। नहीं देखा था गुनाह बहुत ज्यादा कर रहा था, आप क्या कह रहा था कि कुछ ना
वाली जिसके अदल का तकाजा ये है